अब मऊ पहले से आप बेहतर नजर आएगा, क्योंकि अब उत्तर प्रदेश सरकार के नगर विकास मंत्री AK शर्मा की नज़र इन दिनों मऊ पर है। वो इसलिए कि उनका गृह जनपद माना जाता है। इससे पहले बात करें विकास के क्षेत्र में, बात करें विकास पुरुष की बात करें, तो स्वर्गीय कल्पनाथ राय का नाम आज भी जिंदा है, क्योंकि उनके द्वारा किए गए कार्य और ख़ास तौर पे विकास आज भी दिख रहा है। लोग चाहे फ्लाईओवर की बात हो, या फिर हॉस्पिटल की बात हो, या फिर मऊ को बेहतर और सुंदर बनाने की बात हो, चारों तरफ स्वर्गीय कल्पनाथ राय की चर्चा होती है। लेकिन जैसे ही उत्तर प्रदेश सरकार में AK शर्मा मंत्री बनकर आए, उनकी नज़र अब मऊ को और बेहतर बनाने की बात चल रही है। पिछले दिनों आपने देखा उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मऊ में थे। उन्होंने मऊ वासियों के लिए एक बड़ा सौगात दिया। अब मऊ नगरपालिका महापालिका बनने जा रहा है, जिसको लेकर तैयारी जोर शोर से चल रही है, परिसीमन भी चल रहा है। और बात करें और भी विकास के क्षेत्र में, मऊ और सुंदर हो, बेहतर हो, विकास के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश में एक अलग स्थान बनाए, उसको लेकर मऊ में देखा जा रहा है कि विकास अब तेजी से होने जा रहा है। वो एक कारण ये भी है कि जब मऊ की बात आती है तो मऊ एक ऐसा जनपद है जो गाजीपुर, आजमगढ़ और बलिया से सटा हुआ है। लोग कहते हैं कि मऊ से आप गोरखपुर जा सकते हैं, और मऊ से आप पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पकड़कर लखनऊ भी जा सकते हैं, बनारस भी जा सकते हैं। तो इसलिए मऊ मंडल की बात करें, आजमगढ़ मंडल की, तो आजमगढ़ और बलिया के बीच में मऊ जनपद पड़ता है। इसलिए मऊ का विकास बेहतर नज़र आएगा, इसको लेकर सरकार पूरी तरह से प्रयासरत है। और वैसे भी उत्तर प्रदेश में BJP सरकार इस समय मिशन 2024 को लेकर उत्तर प्रदेश में विकास की बात कर रही है। वहीं आपने देखा बलिया में भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 19 अगस्त को आए थे, बलिया बलिदान दिवस के अवसर पर उन्होंने पुलिस लाइन के परेड ग्राउंड में उन्होंने एक संबोधित में अपने भाषण में कहा कि अब बलिया बहुत सुंदर नजर आएगा, इसलिए कि विकास के पथ पर बलिया पहुंचने जा रहा है। जिला कारागार की बात हुई, शहीद स्मारक की बात हुई, मेडिकल कॉलेज की बात हुई, अब बेहतर होने के चांस दिखाई दे रहे हैं। वहीं दुर्गा शंकर मिश्रा जो उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव थे, वो भी मौजूद थे। तो सेनानियों के सम्मान में, क्रांतिकारियों के सम्मान में, बागियों की धरती पर जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने बलिया को विशेष सौगात दिया, उससे लोगों में एक इच्छा है, एक मन में लोगों को जिज्ञासा है कि अब बलिया बेहतर और सुंदर होगा। हम मऊ की बात कर रहे थे, अब बलिया की भी बात करें, यानी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की नज़र में जहाँ बलिया वहीं मऊ, दो जनपदों में अब विकास दिखेगा। फिर हम आपसे जुड़ेंगे, तब तक के लिए इतना ही। देखते रहे बलिया आजकल, मैं रोशन जायसवाल, नमस्कार।